दोस्तों, वेलकम टू कोड एंड डिज़ाइन। मैं रवि और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्जिन एंड फ्लॉट के बारे में कि ये फ्लॉट क्या होता है और लेआउट बनाने के लिए मार्जिन कैसे यूज़ करते हैं, मार्जिन का यूज़ कैसे होता है लेआउट बनाने में, एंड किसी भी स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में फ्लॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। फ्लॉट से अगर हम, जैसे कि मैं आपको अगर कुछ लेआउट दिखाऊँ, तो जैसे कि ये अपना हेडर है, ये पूरा 100% पे है या फिर पिक्सल पे है, जो भी है, ये सेंटर पे है, ये सेक्शन जो अपना ये वाला सेक्शन जो दिख रहा है या फिर डिप जो भी बोलो, ये लेफ्ट में है, ये राइट में है, ये लेफ्ट सेंटर राइट, तो इसको डिफाइन करने के लिए फ्लॉट यूज करते हैं। जब भी हमारा स्ट्रक्चर डिफाइन होता है अलग अलग पोजिशनिंग में, तो फ्लॉट उसके लिए हम यूज करते हैं। फ्लॉट के थ्रू हम डिफाइन करते हैं पूरा का पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर का पोजिशन। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि देख लेते हैं। मैंने एक ब्लैंक एचटीएमएल ऑन किया हुआ है और यहाँ पे हमने अगर हम वेब पेज में देखें तो ये लेफ्ट में है, हमको इसको सेंटर में करना है, तो हम क्या करेंगे, तो हम आएंगे और यहाँ पे जो अपना मेन बॉक्स है, जो हमने मेन बॉक्स बनाया हुआ है, मार्जिन मार्जिन होगा हमारा ऑटो। ओके, जनरली मार्जिन में हम नंबर्स डालते हैं, जैसे 10 पिक्सल लेफ्ट, 10 पिक्सल राइट, टॉप बॉटम ऐसे, तो यहाँ पे हम मार्जिन ऑटो डालेंगे, तो इसको कुछ समझ में नहीं आएगा ना लेफ्ट से कितना लेना है, राइट से कितना लेना है, हमने ऑटो कर दिया, यानी कि ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। अगर हम चेक करें तो ये आ गया कम्प्लीटली सेंटर में। अब हम सेम यही करते हैं फुटर के अंदर, क्योंकि फुटर का क्लास हमने अलग से लिखा था, तो फुटर में हम कर देते हैं सेंटर, तो ये आ गया सेंटर में। तो मार्जिन जो हमारा होता है, हमने ये तो डिफाइन नहीं किया कि लेफ्ट 10 पिक्सल राइट 10 पिक्सल टॉप जितना पिक्सल भी हो उतना पिक्सल, नहीं, हमने सीधे कर दिया ऑटो, इसको समझ में आया कुछ भी नहीं, तो इसने सेंटर में कर दिया सारा का सारा। ठीक है, तो मार्जिन ऑटो किसी भी एलिमेंट में कर देते हैं तो वो एलिमेंट हमारा सेंटर में आ जाता है, जैसा कि यहाँ पर आ गया सेंटर में। अब हमको क्या करना है, फ्लॉट देखना है, तो चलिए हम फ्लॉट देख लेते हैं। ये फ्लॉटिंग क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, तो ये डिव के जस्ट नीचे मैं बनाता हूँ एक और डिव, डिव इसको भी कर देते हैं बंद, बंद हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि काफ़ी ज़्यादा हौच पौच हो जाता है ना, तो हमको समझ में नहीं आता है कौन सा डिव किसके लिए स्टार्ट हुआ है, किस काम के लिए स्टार्ट हुआ है, ये तो काफ़ी कम है। जब लंबा लंबा सी एस एस लिखते हैं ना, बड़े बड़े पेजेस बनाते हैं, तो कंफ्यूजन हो जाता है, तो हम हमेशा कमेंट तो कर ही देंगे। लास्ट वीडियोज़ में मैंने आपको कुछ में कमेंट्स बताया है, तो सपोज क्लाइंट्स का नाम देता हूँ मैं इस सेक्शन को, ठीक है, ये क्लाइंट सेक्शन, इसको हम क्लाइंट बोलेंगे, तो ये कमेंट हो गया, तो हमको पता चल जाएगा कि ये सेक्शन इसके लिए खत्म हो रहा है, क्लाइंट्स एंड ये सेक्शन खत्म हो रहा है। यहां पे एक क्लास डाल देते हैं क्लाइंट्स, इस क्लास को हम कॉपी करके हेडर पे लगाते हैं, आगे हेडर पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, और इसके लिए हम सीएसएस डिफाइन करते हैं। फिलहाल इसके अंदर कुछ लिख लेते हैं हम क्लाइंट वाले सेक्शन के अंदर, ये बिल्कुल ब्लैंक है तो पता भी नहीं चलेगा, तो हम यहाँ पे डालते हैं सेक्शन, सेक्शन के अंदर भी डिव लिख सकते हैं, डिव के अंदर भी सेक्शन लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी के अंदर हम कुछ भी कोई भी एलिमेंट डाल सकते हैं सेक्शन, और इस सेक्शन के अंदर हम डालते हैं क्लाइंट वन, क्लाइंट टू एंड क्लाइंट थ्री। ठीक है, अब हम एक बार चेक करते हैं, तो ये क्या हो रहा है, बिल्कुल से लेफ्ट में आ गया पेज के, हमको इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इस वेब पेज के अलाइनमेंट में लेके आना होगा, उसके पोजीशन में लेके आना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम कुछ सीएसएस डिफाइन करेंगे जो इसके अंदर डिफाइन किया है, जैसे कि विथ हो जाएगा, सॉरी विथ हो जाएगा हमारा 800 पिक्सल, हाइट ऑटो ही रहेगा, हाइट बाय डिफॉल्ट ऑटो भी ही रहता है वैसे, फिर हम डाल देते हैं बैकग्राउंड कलर, उठाते हैं चेंज करेंगे इसको, पैडिंग कर देते हैं हम 30 पिक्सल, एंड जो अपना मार्जिन होगा वो क्लाइंट्स का भी होगा ऑटो, ताकि वो इस लेआउट के पोजीशन में आ जाए, आ गया क्लाइंट ऑटो। चलो अभी हम क्या करते हैं, ये जो तीन बॉक्स बने अपने, इसको हमको राइट में करना है, फ्लॉट डिफाइन करते हैं हम उसके लिए। ठीक है,
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, CSS लिखेंगे। अगर तीनों सेक्शन का कलर चेंज करना है तो नया CSS दे देंगे तीनों के अंदर और तीनों का कलर चेंज कर देंगे। बट फिलहाल हम क्या करते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं क्लाइंट्स, क्लाइंट्स डिवीजन के अंदर जो है हमारा सेक्शन है ना, क्लाइंट्स के अंदर ये जो क्लाइंट क्लास है हमारा, इसके अंदर हमने सेक्शन लिखा हुआ है, तो इसका जो पोजीशन होना चाहिए, सॉरी फ्लॉट से हम पोजीशन डिफाइन करते हैं। फ्लॉट क्या होना चाहिए, लेफ्ट। फ्लॉट हम करते हैं लेफ्ट, चेक करते हैं ये आ गया लेफ्ट में। ओके, जैसा कि ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये लेफ्ट है, ठीक है। हम हमेशा फ्लॉट लेफ्ट या राइट यूज करते हैं, तो ये लेफ्ट है, उसके बाद फिर से ये इसके लेफ्ट में है, फिर इसके लेफ्ट में, तो ऐसे हम एक फ्लो डिफाइन कर देते हैं। ये लेफ्ट से जाएगा तो जितने भी चीज़ होंगे वो लेफ्ट में आता जाएगा, 10 भी होते हैं ना तो हम सब में फ्लॉट लेफ्ट डाल देते हैं, नहीं तो एक में हमने फ्लॉट लेफ्ट डाला, एक में राइट डाला, बीच वाला कहाँ जाएगा। तो हमने लेफ्ट डाला तो वो सारे लेफ्ट में ही आते जाएंगे एक फ्लो में, राइट डाला तो वो राइट से आएगा एक फ्लो में। तो हम ऐसे ही यूज करेंगे इसको, फ्लॉट लेफ्ट डालेंगे ताकि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लेफ्ट में आ जाए, ठीक है। तो हमने डाला फ्लॉट लेफ्ट, एक बार चेक करते हैं वापस से, ये आ गया ना फ्लॉट लेफ्ट में। हम अब क्या डिफाइन करेंगे, पता चले हमको, इसके लिए हम बॉर्डर डिफाइन कर देते हैं। ये जो सेक्शन है इसके अंदर जो बॉर्डर होगा 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, 000 ब्लैक का कोड होता है, ये आ गया ना। अब हम विड्थ डिफाइन करते हैं, तो ये जो 800 पिक्सल का विड्थ है हम डिफाइन करते हैं विथ 30%, मतलब वो परसेंटेज में आ जाएगा, तीन पार्ट में डिवाइन कर लेगा ऑटोमेटिकली, 800 का 30% पे डिफाइन कर लेगा, ये आ गया हमारा। ओके, तो ये हमारा डिफाइन हो गया लेफ्ट में। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मार्जिन डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि ये अभी बिल्कुल साथ साथ में तो पता ही नहीं चल रहा है। हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं मार्जिन राइट, मार्जिन राइट क्या होगा हमारा, होगा 10 पिक्सल। अगर हम मार्जिन राइट 10 पिक्सल करके करते तो ये आ गया बीच में डिफरेंस, तो 10 पिक्सल। इसी तरीके से राइट क्लिक एंड इंस्पेक्ट एलिमेंट, ये सबसे ज़रूरी होता है किसी भी वेबसाइट डिजाइनर के लिए या डेवलपर के लिए भी। हम क्लिक करते हैं यहाँ पे, इस पर क्लिक करते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे सारे प्रॉपर्टीज़ दिख रहे हैं ना जो हमने डाला हुआ है, जो CSS डाला हुआ है। हम इसको बढ़ाएंगे, देखेंगे ये कितना और चाहिए इसको, ये नीचे आ गया, यानी कि मैक्सिमम 24 लास्ट जा रहा है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं 24 ज़रूरत के हिसाब से, और चेक करते हैं तो ये आ गया। ऐसे हम इंस्पेक्ट एलिमेंट को भी यूज कर सकते हैं। और ये था हमारा फ्लॉट, फिर हम इसके अंदर पैडिंग, इसके बीच में डिस्टेंस ही है तो इसके अंदर पैडिंग डालना है हमको इस सेक्शन के अंदर, तो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं CSS, जैसे कि पैडिंग। ओके, यह पूरे पे पैडिंग आ रहा है CSS पे, मतलब ये आउटर पैडिंग जा रहा है, हमको इनर पैडिंग चाहिए, तो उसके लिए हमारा एक CSS आता है, वो होता है बॉक्स साइजिंग। जो हमारा बॉक्स साइजिंग होगा वो होगा बॉर्डर बॉक्स, यानी कि अब वो इनर साइड अपना पैडिंग लेगा, ठीक है। तो हम उसके लिए ऐसे काफ़ी सारे CSS होते हैं, आप देखोगे R&D करोगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो हम ऐसे पैडिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो इनर पैडिंग आएगा। तो इस तरीके से हम कंप्लीट पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं फ्लॉट भी यूज करके। ऐसे ही आपको दो सेक्शन डिफाइन करना है तो फ्लॉट लेफ्ट कर दो, फ्लॉट राइट कर दो, विथ डिफाइन कर दो, और एक लेआउट क्रिएट होता है। आगे वीडियोस में और भी बात करेंगे, और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट जरूर करिए, क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे तो ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन एंड अगर और सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कैसे कई सारे ऐसे वीडियोस आएंगे। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।